वाटर कलर पेंटिंग करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं किया तो मैं भूल भी गई हूँ कैसे करते हैं। पर इसमें जो वाइट वाले पार्ट है वो पहले करते हैं, फिर डार्क वाले पे आते हैं। जैसे ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक में पहले वाइट वाला, पहले डार्क वाला करते हैं, फिर लाइट पे आते हैं, इसमें अपोजिट करते हैं। अब इसमें हम जो भी कलर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा वाटरी तरीके से भर रही हूँ, क्योंकि ताकि बहुत ज़्यादा फ्लो ही हो जाए। अभी मुझे कोई भी फाउंडेशन नहीं चाहिए, कोई भी लिमिट नहीं चाहिए कि यहाँ पे कलर नहीं आ सकता, भाई यहाँ पे ये ज़्यादा डार्क हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रीली तरीके से भर रही हूँ, और ये बदतमीज़ मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि यहाँ थोड़ा कबाड़ा हो गया था तो ये आ गई हैं। अब इन्हें भगा रही हूँ बस, चलो छोड़ो रहे हैं। तो अब ये पिंक वाला जो है, इसमें हल्का सा पीछे का बैकग्राउंड मैंने सूखने दिया था, उसके ऊपर करें, क्योंकि मुझे हल्का सा अब थोड़ा इसमें उतना ज़्यादा फ्लो ही नहीं चाहिए, थोड़ा सा बंधा हुआ चाहिए। आप करेंगे वाटर कलर से रेड वाला, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा 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 पसंद है, ये क्रिम्सन कलर्स। और मैंने जो कलर्स यूज़ करे हैं वो है कैमल के वाटर कलर कलर्स, क्योंकि ये ट्यूब वाले कलर्स हैं तो ये कुछ तो सूख गए तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, पर इनका फ्लो अच्छा है तो मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास वाटर कलर पेपर नहीं है, पर मैं कार्टून शीट यूज़ कर रही हूँ, वाटर पेपर कलर मुझे ख़रीदना है। चलो छोड़ो, अब ब्राउन कलर से अच्छे से आउटलाइन करके, ब्राउन और ऑरेंज का मिक्स है ये ब्राउन, उससे अच्छे से आउटलाइन करके थोड़ा सा और इसे शेडोज़ देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लाइट्स का तो हमने कर दिया, लाइट्स का तो पेपर वाइट ने कर दिया, अब हमें उसमें शेडो देनी है ताकि थोड़ी सी थ्री डायमेंशनलिटी आ जाए, थोड़ी सी फॉर्म हमें दिखाई देने लग जाए। ये थोड़ा गंदा सा कलर हो गया, पर कोई बात नहीं, इसे लास्ट में हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, क्योंकि जो इस वाटर कलर में होता है वो प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब कि हम फ्लो ही ले सकते हैं, जो कि धीरे 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 करके उस पर बहुत सारे लेयर्स हम डाल देते हैं तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। ये ब्लू फॉर द हेयर, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने ब्लू हेयर में किया, और स्किन के लिए ब्राउन और रेड और हल्का सा शेडो के लिए कूल टोन्स। अब लिप्स को थोड़ा डार्क कलर से कर दिया, और जो शेडोज़ होते हैं उन्हें अच्छे से कर दिया, थोड़ी आउटलाइंस। बहुत गर्मी है आजकल। चलो अब थोड़ा सा बालों को दोबारा उसको सूखने दिया, क्योंकि अगर सूखने नहीं देती तो वो पानी 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 ऐसे हो जाता है, तो बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, बैंग्स कर दिया, बैंग्स बना दिए, बैंग्स मैंने बहुत फ्री बनाए हैं, बहुत ही ओपन एंडेड बनाए हैं। और अब बाल भी हो गए, थोड़े से मैं शेडो देने के लिए उनको डल कर डार्क करते थे, वही कलर आईलैश वगैरह में यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा सा हारमोनी आ जाए। ठीक है, अब ये कलर, ये वाले जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होते तो मैं याद भी नहीं करती, पर अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप याद कर लेना। ओके, अब आईज़ ऐसे इजीली तरीके से आईज़ बना लो, लूज़ तरीके से बिल्कुल, और नोज़ आईज़ मतलब लास्ट वाली चीज़ें सबसे लास्ट में करनी है, हाईलाइटिंग और ये बिल्कुल डार्क वाली चीज़ें बिल्कुल लास्ट में करनी है, क्योंकि हम इन्हें पानी से बाहर नहीं चाहते हैं सबको। अब क्या बचा, शेडोज़ हो गए, ये हो गया, ये हो गया, बैकग्राउंड बचा और हाईलाइटिंग बची। बैकग्राउंड हम जल्दी से कर देंगे, और थोड़ी सी हल्की से शेडो दे के हाईलाइट शुरू करने के मन है मेरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाईलाइट से जो चीज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और थोड़ा 3D अच्छे से दिखाई देने लगती है। बहुत मैं कम हाईलाइट्स दे रही हूँ, क्योंकि ये मैं एब्स्ट्रैक्ट रूप देना चाहती हूँ ना, और मैंने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना चाह रही हूँ, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाह रही हूँ, लिमिट नहीं करना चाह रही हूँ। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा हो गया, मुझे लगता है।